Hello children today we will learn a poem this is the wind and the leaves written by George Cooper this poem is in syllabus in CUSC and ICSC board schools in different classes so this poem इज़ रिटन बाई जॉर्ज कुपर एंड ही वॉज एन अमेरिकन पॉइट चिल्ड्रेन विंड और लीव्स ये दोनों बहुत एक दूसरे से तालमेल करके चलता है आप लोग आधी तूफान के समय देखे होंगे आधी तूफान के समय में क्या देखते हो पत्ते सूखा लकड़ी ये सभी लगता हो हवा आंधी के साथ उड़ने लगता है इस पोएम में बहुत सुंदरता के साथ पॉइट ने पार्सोनिफिकेशन का यूज़ किए हैं इस पोएम में पार्सोनिफिकेशन है पार्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है फिगर ऑफ़ स्पीच हम लोग कहते हैं हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं क्योंकि पोएम जब लिखा जाता है तब तो उसमें एक रिदम होता है चिल्ड्रेन यू नो इट इन द प्राइमरी क्लासेस एट दर् टाइम यू हैव सीन दैट यू हैव रिम्बर्ड दैट टाइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टर यू हैव सीन दैट देयर इज इट रिदम स्टर एंड आई हाई एन स्काई लाइक दैट इन दिस पोएम ऑल्सो वन काइंड ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज द पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन क्या है हिंदी में इसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है बहुत सारा कविता में आप लोग ऐसा मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल पाओगे हिंदी में तो भरमार है जैसे कि एक बहुत प्रसिद्ध कविता में श्री हरिवंश राय जी का कविता में है अंबर कब शोक मनाता है मधुवन कब शोर मचाता है ये सभी लाइन क्या है अंबर आकाश आकाश को जिंदा मना गया है जहाँ आकाश कब सुख मनाता है मधुबन कब शोर मचाता है ये सभी शब्द आप लोग हिंदी में देखोगे इंग्लिश में देखोगे इस तरह का निर्जी वस्तुओं को जब हम लोग उसको जिंदा मान लेते हैं तब हम लोग उसको पार्सोनिफिकेशन कहते हैं पीवी वी द वेस्ट उसमें भी आप लोग देखोगे ऐसे ही विंड को एक जीता जगता कोई शक्तिशाली क्रिएचर माना गया है विंड पोएम में भी ऐसा है एक पोएम में आप लोग देखोगे पोएट ने कोई निर्जीव वस्तु को नॉन लिविंग एलिमेंट को नॉन लिविंग थिंग को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भगवान की तरह कोई जीव की तरह मनाए माने हैं विंड गॉड ऐसा माना गया है विंड पॉइम में काम सॉफ्ट कहते हैं लगता जी अपना दोस्त को अपना कोई बहुत ही नियर एंड डियर को बुला रहे हैं काम सॉफ्टली इस पॉइम में भी देखो विंड और लीव्स ये दोनों लगता है एक दूसरे से बातें कर रही हैं हम लोग इस पॉइम को पढ़ेंगे एन्जॉय करेंगे बहुत सुंदर पोएम है वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड वी कम टू नो अबाउट द पर्सनिफिकेशन ऑल्सो देर आर द रम स्कीम इन द पोएम ए बी एंड ए बी ए बी एंड ए बी पैटर्न लिव्स डे मेडोज मतलब इसका प्रोनाउंसिएसन एक लाइन छोड़ कर है इसलिए हम लोग पहले ए लिखेंगे फिर नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन डे डे के साथ मेल किसका है प्ले सो विल राइट ए बी एंड ए बी राम स्कीम इन दिस पोएम ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द poem, द विंड एंड द leaves. दिस इज द पिक्चर ऑफ द leaves आर falling फ्रॉम द ट्रीज इन द टाइम ऑफ ऑटम ऑटम means पतझर पतझर के समय में आप लोग जानते हो पतझर आते आते पूरे वातावरण में एक उदासी जैसे आपको लगता होगा सब कुछ झड़ रहा है पत्ता सब झड़ जाते हैं पेड़ का ऐसा है इंग्लैंड में ऑटम को बहुत ही फ्रूटफुल सीजन मनाया जाता है इंग्लिश पोएट्री में आप देखोगे कोल्ड जो है ना एक नॉन लिविंग मतलब ड्राइनेस ऐसा कॉर्प्स की तरह सेमज किया गया है जबकि ऑटम एंड स्प्रिंग दे आर द रोमांटिक सीजन्स एक चेयरफुल सीजन्स है ओके okay? नाउ Let's start the poem, the wind and the leaves. First line, I am telling you, "Come, little leaves," said the wind one day. Come over the meadows with me and play. देखो कितना सुंदर से लग रहा हो ये जो विंड है वो कह रहा है पायट कहते हैं क्या ये विंड अपना दोस्त को बुला रहा है लगता है कम लिटिल लीव्स आओ आओ छोटे छोटे पत्ते को बुला रहे हैं आओ आओ तुम्हारे साथ मैं खेलूँगा कम ओवर द मिडो चलो उस घास की मैदान में खुले मैदान में हम लोग एक साथ डांस करेंगे प्ले करेंगे खेलेंगे विथ मी एंड प्ले तो इस लाइन से आप देखो लग रहा हो क्या दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे हैं समय क्या है जस्ट ऑटम हैज स्टार्टेड ऑटम शुरू हो गया है और विंटर आने वाले हैं विंटर इज टू कम एंड नाउ द ऑटम हैज स्टार्टेड जस्ट ऑटम सीजन चल रहा है और चारों ओर जो है वो लीफ लीफ सब गिर रहा है लीव्स आर फॉलिंग ओके तो पॉइंट ने कहा एक दूसरे से लगता है ये विंड और लीव्स दोनों एक फ्रेंड्स है एक दूसरे के दोस्त है बहुत दिन से बाद जो एक दूसरे से मिल रहे हैं और विंड उसको कह रहा है आओ आओ एक साथ हम लोग खेलेंगे एक साथ हम लोग मेडोज में घास के मैदान में घूमेंगे डांस करेंगे प्ले करेंगे पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड देखो जैसे कि हम लोग सीजन चेंज होता है ना तो आप लोग भी रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हो रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट पहनते हैं ऐसे ही डल ड्रेस रहता है जिसमें कोई चार्मिंग नहीं हो लेकिन आप देखोगे जैसे ही विंटर आता है तो हम लोग सब कलरफुल स्वेटर जैकेट कैप्स बहुत सारा बहुत खुश मिजाज लगते हैं बच्चे को स्कूल में भी बहुत रंग बिरंगा लगने लगता है एक चेयरिंग फेसेस चेयरफुलनेस आता है कलरफुल ड्रेस हम लोग पहनते तो सीजन चेंज के साथ साथ भी हम लोग भी जिस तरह से ड्रेस चेंज करते हैं तो लीव्स भी कहता है ए विंड भी कहता है लीव्स को आओ आओ योर ड्रेसेस अपना ड्रेस को चेंज करो और कैसे कपड़ा पहनो रेड एंड गोल्ड ओके okay? रेड एंड गोल्ड मतलब अपने को कलर चेंज करो ये पोए पहले मैंने बताया जो एक पर्सनिफिकेशन है मानवीकरण अलंकार से अलंकृत किया हुआ एक कविता है हम लोग भी अपना ज़िंदगी में जब लगातार एक तरह से एक तरह से मोनोटनस लाइफ में जीते हैं तो सभी त्योहार में आप देखोगे इन द फेस्टिवल्स इन द आवर मैनी रिचुअल्स एनी कस्टम्स वी चेंज अवर ड्रेसेस वी वेयर सो मैनी कलरफुल ड्रेसेस डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस इन द फेस्टिवल्स एंड अदर कस्टम्स दैट इज़ द स्पाइसिस ऑफ लाइफ जिंदगी का ए मसला है जिंदगी का ए रंग है पोम में भी विंड लीब्स को कहता है आओ आओ पुट योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड लाल रंग का गोल्ड रंग का मतलब क्या ये रंग से पता चलता है जे ऐसा ड्रेस पहनो थोड़ा सा अच्छा लगे खेलने के लिए बट हम लोग घूमेंगे एक कलरफुलनेस लाने के लिए कहता है एंड समर इज़ द डे इज ग्लो कोल्ड समर सीजन चला गया है गर्मी के मौसम ख़त्म हो चुका है आओ आओ और इन दिनों में हम लोग ठंडी के मौसम में घूमने चलेंगे घूमेंगे प्ले करेंगे ऐसा हम लोग इस पोएम से फर्स्ट जो अभी तक हम लोग पढ़े इसमें ये हम लोगों को जानकारी होता है जो दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं लग रहा हो कि एक दूसरे से बिछड़ने से बहुत दिन बाद मिला हो और फिर से दोनों मिलकर खेलने चाहता है प्ले घूमने घूमने जाना चाहता है डांस करना चाहता है और साथ साथ में लीव्स को कहता है अपना रंग को बदलो और रंगीन हो जाओ कलरफुल हो जाओ जैसे कि जीवन में भी हम लोग जो हैं बहुत सारा कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं अपने जीवन में भी चेंजिंग आना जरूरी है चेंज इज द नेचर ऑफ द लाइफ ये होना है नाउ सी दैट नेक्स्ट ज द लीव्स हर्ड द विंडस लाउड कॉल लीव्स को एक बैग सुनाई दिया क्या सुनाई दिया विंड का जोर आवाज विंड्स लाउड कॉल जोर आवाज सुनाई देता है डाउन द केम फ्लटरिंग वन एंड ऑल ओवर द मेडोज द डाउन स्ट एंड फ्लू सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू सुनाए दिया ये आवाज़ विंड का आवाज़ सुनाई दिया लीव्स दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते केम फ्लटरिंग बहुत तेज़ गति में मतलब आप लोग देखे होंगे जब हवा चलती है तेज हवा चलती है तो सूखा पत्ता कैसे उड़ के उड़ के चलता है उड़ उड़ते रहता है आकाश में तेज रफ्तार में आकाश में उड़ता हो लगता है जो ऊपर से कोई गिरा रहा हो तो इस पॉइंट में भी बताया जा रहा है लिप्स विंड का ऐसा पुकार को सुनकर विंड ने पुकारा लीब्स कैसे नहीं आ सकता ये सभी पत्ते उड़ उड़ के आने लगा फ्लटरिंग, बहुत तेज गति में उड़ते हुए छटपटाते हुए आवाज़ करते करते आने लगा ओवर एंड ऑल ओवर द मेडोज पूरा मेडोज भर गया सूखा पत्तों से और आके क्या करने लगा द फ्लू देखो लग रहा है जी एकदम जीवंत दे आर एलाइव नॉट द ड्राई लीव्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स दे आर कॉन्सिडर्ड एज द लिविंग थिंग्स दैट इज द पर्सनिफिकेशन मैंने पहले ही आप लोगों को बताया लग रहा हो उड़ते उड़ते आ रहा सूखे पत्ते सब और आके मैदान पर डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि वे लोगों का दोस्त विंड ने पुकारा है दे डांस एंड फ्लू सिंगिंग द शॉप बहुत मधुर मधुर गाना गाने लगा हल्की हल्की गाना गाने लगा पत्ता जब आकाश में इस तरह से बहुत सारा पत्ता जब आकाश में उड़ता हो आप लोग भी देखे होंगे एक आवाज़ आती है पत्थर के समय में देखोगे पत्ता जब आकाश पेड़ से गिरते रहता है तो एक फ्लटरिंग साउंड फ्लपिंग साउंड आपको सुनाई देता है हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है ऐसे ही आवाज़ से ऐसे ही गाना से गाते गाते लिप्स मिडोज़ की ओर नीचे की ओर मैदान की ओर उड़ के आने लगा नेक्स्ट स्टेंजा डांसिंग एंड फ्लाइंग द लिटिल लीप्स वेंट विंटर हैड कॉल्ड देम एंड देवेर कॉन्टेंट पॉइट कह रहे हैं सुखा पत्ता दुखी नहीं है जो उस पेड़ से सुख के नीचे गिर रहा है वो बेचारा बहुत खुश है क्योंकि विंटर ने उसे कॉल किया है उसे बुलाया है और विंड भी उसको पुकारा है खेलने के लिए डांस करने के लिए गाने के लिए तो क्यों नहीं आएगा वो कवि कहते हैं देवर कंटेन बहुत खुश मिजाज होकर पत्ते सब उड़ उड़ के डांस करते करते जमीन की ओर पृथ्वी की ओर लौट के आ रहा है। ये पॉइम में समझने वाली बात है किस तरह से सूखा पत्ता भी अपना खुशियाँ मनाती है ये दिखाया है नेचर का बिहेवियर को हम लोगों को बहुत सुंदरता के साथ एक पोएम के जरिए में पोएट ने बताया विंटर विंटर है हैड कॉल्ड देम एंड दे आर कंटेंट सून फास्ट ए इन दियर अर्थी बेट्स इस पृथ्वी का बेड बेड मीन्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इस विंटर बेड में जो स्नो फॉल हुआ है स्नो से कवर्ड है उस स्नो स्नो कवर्ड आर्थ पर सुख ड्राई लीव्स सब जो है एक 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 करके गिरने लगता है लगता है जो सोने का समय आ गया है मतलब देखो इस पोएम के ज़रिए बताया है किस तरह से अंत जिंदगी का अंत समय को बताया है इस लास्ट स्टंजा में सूखा पत्ता जमीन पर गिर जाता है और पॉइट कह रहा है जब सो जाओ आर्थ लगता है उसको बोल रहा है अब तुम गोद में आके सो जाओ समा जाओ सुन फर्स्ट स्लीप इन दियर आर्थी वेट्स द स्नो लेड सॉफ्ट मेंटल ओवर देअर हेड्स मेंटल मीन्स लेयर और कवर ऊपर से पत्ता गिरते ही स्नो हल्की हल्की बर्फ स्नो स्नो उसके ऊपर में चादर बिछा चा देता है ढक देता है कवर कर देता है दैट इज़ द एंडिंग ऑफ द लिप्स दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पोएम सो आई थिंक आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स यू हु आर लिसनिंग माई वीडियो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉएम एंड नाउ वी डिस्कस on the exercises some of the questions i am asking you and i will tell you the answer also suppose that the question is that what did the wind ask the leaves to do leaves ko kya kaha? Kya kaha? that you will write the answer like that way the leaves asked the wind to come and play with him okay खेलने के लिए कहा आने के लिए कहा टू कम एंड प्ले हिम इज इट क्लियर नेक्स्ट आई आस्क एन अनदर क्वेश्चन व्हाट आर द कलर्स ऑफ द ड्रेसेस ऑफ द लीव्स उस पत्ते का रंग कैसे होना चाहिए पोएम में देखो लिखा हुआ है दैट इज वेरी इजी आंसर रेड एंड गोल्ड ओके नेक्स्ट व्हाट डिड द लीव्स डू व्हेन दे हर्ड द विंड्स लाउड कॉल जब हवा तेज का आवाज जोर आवाज सुनाई दिया तो लीव्स क्या करता है वट डिड द लीव्स डू द लीव्स केम फ्लटरिंग एंड केम अबाउट द मिडोज दे डांस एंड फ्लू ओके दैट इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क यू वट डिड वट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डिड द लीव्स सिंग लीव्स किस तरह का गाना गाता है You'll write the answer you see that same stanza it is written the leaves danced and sang soft and little song okay next i ask another question what did the leaves do when they rested their beds जब अपना बेड पर बेड मीन्स अर्थ के क्रस्ट पर पहुंच जाता है तब वो लोग क्या करता है द लीव्स

Can you tell me? I am asking you one MCQ question. You tell me soil, flowers, fruits, snow. The answer will be snow. Okay. Last question I am asking you who is the poet of this poem? The answer will be George Cooper. Another question I am asking you who are the two friends? Described in this poem, the two friends are the wind and the leaves. Which figure of speech is used in this poem? You will write personification. Personification. Personification is the poetic device or figure of speech has been used in this poem. What is the rhyme scheme of this poem? The rhyme scheme of this, of this poem is A B A B. Write some rhyming words. What are the rhyming words? You can write like leaves, meadows, day, play, dresses. Dresses, they have no any rhyming words. So it has no rhyming words. Gold and cold. Okay? It has the rhyming words, they are the rhyming words gold and cold, like call, all, is it clear? Flew, new, went, content, beds, heads, they are the rhyming words in this poem. Okay, goodbye.